एक बात सुनो, अभी आपने एटपार देखा, एटपार में ये चीज नहीं था। प्रीमियम रहेगा अगर अलॉटमेंट में, तो जहां पर शेयर कैपिटल है वो दो भागों में बटेगा। समटाइम्स बोर्ड में और यूनिवर्सिटी में जो सम्स आते हैं, वहां पर जो अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कॉल के ऊपर कर सकता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर फर्स्ट कॉल में बोलेगा तो इंक्लूडिंग बोलेगा ना फर्स्ट कॉल में, तो आप इसको दो भागों में बांट दीजिएगा, यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दीजिएगा, यानी शेयर कैपिटल दो भागों में बढ़ जाएगा। कैपिटल में वही अमाउंट जाएगा जो उसका फेस वैल्यू का पार्ट है, और प्रीमियम अलग से हो जाएगा। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन में देगा तो यहां इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो दो भागों में बढ़ जाएगा। एटपार में यह चीज नहीं होता है, ये देखिए एटपार में यह चीज नहीं होता है, इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। अब ये वापस जैसे सिंपल फॉर्मेट हमने आपको बोला था कि अगर जल्दी करना है तो ये छह फॉर्मेट, मतलब ये छह एंट्री लिख कर लाना, और थोड़ा थोड़ा जगह रहना चाहिए। जैसे यहां पर ज्यादा आ गया तो बैंक, प्रीमियम है तो नीचे, जब प्रीमियम नीचे तो डिस्काउंट कहां आएगा, बोलिए ऊपर। जब प्रीमियम नीचे आता है तो डिस्काउंट कहां आएगा, ऊपर आएगा। प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, बट डिस्काउंट को लिखते हैं हम लोग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, थोड़ा लंबा हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। ओके, कुछ नहीं बोलेगा ना तो अलॉटमेंट में लिखना। तीन मरते में पैसा मांगेगा तो जहां फर्स्ट है उसको हम लोग फाइनल कर देंगे अभी। तो एक सम्स हम लोग आपके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। एट पार भी हो गया, प्रीमियम भी हो गया, डिस्काउंट भी हो जाएगा। मारिया लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर, मारिया लिमिटेड कोई है, 12,000 शेयर इशू कर रहा है 10 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1 पर शेयर। 10 रुपया में 1 रुपया चला गया, बचा कितना 9। कुछ नहीं बोलेगा ना कि डिस्काउंट या प्रीमियम कहां एडजस्ट करना है। अगर सम्स में मेंशन नहीं किया हुआ नहीं रहेगा तो आप हमेशा अलॉटमेंट पे करना। अब देखो ये 10 में 1 चला गया तो 9 रुपया कैसे मांगा जा रहा है, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, तो 3 और 2 5 हो गया। एंड द बैलेंस, एंड लिखा ना, एंड ऑन कॉल द रिमेनिंग अमाउंट, अंडरलाइन करो, रिमेनिंग कितना बच गया, 4 रुपया, क्योंकि 9 रुपया में 5 रुपया दिख रहा है तो 4 रुपया नहीं दिख रहा है, वो फाइनल कॉल में हो गया, यानी 6 एंट्री होगा। तो यहां पर फर्स्ट लिखना चाहिए हम लोगों को, यहां पर क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, फाइनल लिखना चाहिए। अब देखो, एज्यूमिंग दैट ऑल द अमाउंट्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, बोलता है सारा पैसा मिल गया, 6 एंट्री होगा ये हम लोग जान गए। 12,000 शेयर बेचना चाह रहे थे, क्या कुछ ज्यादा एप्लीकेशन आया, नहीं आया ना, 12,000 ही आया, तो यहां बैंक लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। बट अलॉटमेंट के ऊपर अगर प्रीमियम रहता तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लिखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। अच्छा, अभी आप में से कोई भी बोल सकते हैं अमाउंट, बताओ 12,000 इंटू 2 कोई दिक्कत, फिर 12,000 इंटू 3 यहां पर लिखेंगे 12,000 इंटू 3, बट डिस्काउंट भी है 12,000 इंटू 1। जब डिस्काउंट होता है ना तो कुछ लोगों से गलती हो जाता है, आप जरा ध्यान दीजिए, जर्नल का जो रूल है ना उसको फॉलो करिएगा। इक्विटी से अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से ना क्रेडिट होगा,
तो रुपया यहां पर 48 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 36,000। फाइनल कॉल कितना बोले थे? तो 12,000 इंटू 8 पार भी हो गया, प्रीमियम भी हो गया और डिस्काउंट भी हो गया।